राम कृष्ण हरी दोस्तों, देखिए ब्याड़ बकरी हम चरा रहे हैं और आप कैसे हो दोस्तों? राम कृष्ण हरी। देखो कैसा होता है, जिस पानी को बहाव रहता है वो शुद्ध होते रहता है, क्योंकि उसमें रोग जंतु ज़्यादा कम रहते हैं, कम रहने की कोशिश हो सकती, क्योंकि वो बह रहा है इधर उधर अलग अलग सैन से भर आए, या उसमें जैसे इसलिए ऐसे पानी को पिलाना नहीं चाहिए। जैसे अभी ये देखिए, ये जो पानी ना बहुत दिन का बारिश का रुका हुआ खेती का पानी है, खेती के बाजू में रुका है, तो जैसे भेड़ बकरी पिएंगे तो जैसे उसमें कुछ ज़्यादा दिन रुका हुआ पानी उसमें रोग जंतु कोई रख सकता है, तो उसमें उनको बीमारी का कारण हो सकता है। इसीलिए ऐसी जगह पर पानी पिलाने का तो शुद्ध पानी हो रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि उनको बीमारी ना हो वो ठीक हो रहेगा, क्योंकि पानी से बीमारी 80% आ जाती है। तो समझे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अच्छा पिलाने की कोशिश करें वो ठीक रहेगा। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे चारी के लिए आप दिन भर उनको घुमा दे रहे थे, इधर उधर से चरा दे रहे थे, तो पानी के बारे में क्यों नहीं संभाला जाए? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 80% जो बीमारी आती है वो पानी से आती है, तो फिर पानी अच्छा पिलाने का है वो ठीक रहेगा। इसीलिए कैसे भी पानी पिला के चला देने का, ऐसा नहीं करने का कभी, और इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहा। मिलेंगे ऐसे वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। मिलेंगे ऐसे वीडियो में। राम कृष्ण हरी। लाइक ज़रूर करें।